में ज्वाइनिंग कार्यक्रम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ज्वाइनिंग कराई। रिटायर्ड आईपीएस प्रेम प्रकाश ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। देश का कर्ज उतारने का मौका मिला प्रेम प्रकाश की ओर से कहा गया। तो रिटायर्ड आईपीएस प्रेम प्रकाश ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में ज्वाइनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जब रिटायर्ड आईपीएस प्रेम प्रकाश ने बीजेपी ज्वाइन की। डिप्टी सीएम ने रिटायर्ड आईपीएस प्रेम प्रकाश को बीजेपी ज्वाइन कराई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं देश का कर्ज उतारने का मौका मिला। ज्वाइन होते ही प्रेम प्रकाश की ओर से यह बयान सामने आया है। प्रेम प्रकाश जी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे हैं, आज हमारे परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री प्रेम प्रकाश जी 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अनेकों जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। कुछ अनेकों रेंजों में डीआईजी रहे हैं, आईजी रहे हैं और एडीजी जोन के रूप में बरेली, कानपुर, प्रयागराज से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने सामाजिक जीवन में बहुजन सशक्तिकरण निर्माण के लिए काम किया और अपने अभियान से लाखों युवाओं को जोड़ने का काम किया है। मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है और एक बहुत बड़ा जो देश का कर्ज अपने ऊपर है उसे उतारने का अवसर मिल रहा है कि एक ऐसी पार्टी जो पूरी तरह से समर्पित रहे 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए कि मैं भी उसका हिस्सा बनूं, इसी अर्थ में अपनी आहुति दूं। बहुजन सशक्तिकरण संघ के रूप में हमने बहुजनों की लड़ाई लड़ी है, नौकरी में रहकर भी और नौकरी के बाद भी काफी चिंतन किया। रिटायरमेंट के बाद लोगों को लगता कि शायद सत्ता की भूख है, एमपी एमएलए बनना चाहते हैं इसलिए जाना चाहते हैं। मैंने पहले ही ये शर्त कर दी थी कि मैं अभी मेरा कोई विचार नहीं है इलेक्शन का और पूरे समाज के लोगों ने मेरा उत्साहवर्धन किया। आज ही मैंने अपने चैनल लॉ प्रेम प्रकाश के जरिए जब लाइव सेशन किया तो उसमें लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने जो हमसे जुड़े हुए थे या विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए थे उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की और कहा कि ये बहुत अच्छा कदम है। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निकिता सरीन मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। निकिता, कहा जाता है कि मायावती सरकार में कई अहम पदों पर प्रेम प्रकाश तैनात रहे थे और मायावती के काफी ज्यादा करीबी माने ये जाते हैं, लेकिन अब बीजेपी ज्वाइन इन्होंने कर ली है डिप्टी सीएम की मौजूदगी में, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की मौजूदगी में। क्या उनकी ओर से कारण बताया गया, क्या मुख्य कारण वो रहे जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी को चुना? देखिए, रिटायर्ड आईपीएस प्रेम प्रकाश की बात की जाए तो आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जो स्टेट प्रेसिडेंट है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उन्हें आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। दलित वर्ग से आने वाले प्रेम प्रकाश कभी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के खास हुआ करते थे और अगर बात की जाए विपक्ष के आरक्षण खत्म करने के मुद्दे को उठाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी दलित वर्ग के कई बड़े चेहरों को जोड़ रही है। इसी कड़ी में देखिए, देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम प्रकाश को अपने साथ जोड़ा है। दलित वर्ग में प्रेम प्रकाश की जो गहरी पैच भी बताई जा रही है, उनकी गहरी पैच है और भारतीय जनता पार्टी में अब बचे हुए दो चरणों के लिए विपक्ष में जो सेंधमारी है वो कर रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो करीब 1,00,000 लोगों को ज्वाइन करके वो जुड़ चुकी है। तो ऐसे में देखिए, दलित वर्ग के नेता हैं और दलित वर्ग के ऑलरेडी, जिस तरीके से मैं अगर असीम अरुण की बात करूं और अब प्रेम प्रकाश हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा दी है ब्रजेश पाठक और इस पूरी कड़ी में भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे हैं, तो अब सेंधमारी का कहीं ना कहीं एक चीज भी देखी जा रही है और उनको साथ जोड़ लिया है। जिस तरीके से प्रेम प्रकाश भी बयान दे रहे हैं अपने कि
इंस्पिरेशन सुने काफी मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री की पॉलिसीज को अपनाने के लिए वो पूरी तरीके से जुट गए हैं। और ऐसे ही में दलित वर्ग से जो आते हैं उनकी गहरी पैच भी है दलित वर्ग में, और साथ ही बीजेपी अब बचे हुए जो चरण बचे हैं फेज के, यानी दो अब फेज के जो चुनाव बचे हैं उसमें लगातार सेंधमारी कर रही है। तो एक बड़ी ज्वाइनिंग कह सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के भी बेहद खास में है फिलहाल, अब उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दलित चेहरा है तो दलितों को साधने के लिए किस कड़ी तक ये भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर पाएंगे। बिल्कुल निकिता, और क्या ये भी कहा जा सकता है कि क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी अब प्रेम प्रकाश को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद दी जा सकती है, क्योंकि आपने बताया कि दलित चेहरा बहुत बड़ा माना जा सकता है, दो चरणों के चुनाव अभी फिलहाल बाकी हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह से रिटायर्ड आईपीएस प्रेम प्रकाश ने भाजपा ज्वाइन की है, कहीं ना कहीं सेंधमारी का एक नया रास्ता भाजपा ने खोज लिया है, तो क्या आप कोई बड़ी जिम्मेदारी भी उनको दी जा सकती है आगे? देखिए फिलहाल आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि मैं लगातार बता रही हूँ कि दलित चेहरा भी है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विंग्स हैं अगर मैं बात करूं तो उनको अपनी एक अलग अलग ड्यूटी सौंप दी गई है, और अब ऐसा कोई तबका नहीं बचा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी ना करना चाह रही हो, चाहे वो ब्राह्मण वोटर्स की बात कर ले, चाहे मैं अल्पसंख्यकों की बात कर लूं, चाहे दलित की बात कर लूं, मुस्लिम्स की बात कर लूं, सबको साधने में जुट गई है। और यहाँ पर ये जो ज्वाइनिंग है ये बेहद अहम है, क्योंकि अगर मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करूं तो वहां पर ये काफी एक बड़ा नाम था और दलित वोटर साधने में इन्होंने काफी हेल्प की थी, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी जो हेड है सुप्रीमो मायावती उनके भी बेहद खास रहे हैं। तो इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी दलित चेहरों को तोड़ गई है और तोड़ने के साथ ही अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रही है, ताकि एक दलित तबके के जो वोटर्स हैं वो भी इसी क्रम में शामिल होकर के ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में कर सके। इसी कड़ी में आज इनको ज्वाइन कराया है और ये पहले ऐसा नहीं है, इसमें इसी क्रम में असीम अरुण का भी नाम है, वो भी एक दलित चेहरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी ज्वाइन कराया है और इनको अब कैबिनेट का मंत्री भी बना दिया है। तो फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आज ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या इनको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज या चुनौतियां या ड्यूटी दी जाती। बिल्कुल बिल्कुल निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारियों के लिए।